सो हेलो गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से छोटे से क्यूट से व्लॉग में। और आप लोग सोच रहे कि भैया आपने तो कहा था कि आपने कहा था कि आप जरा वेट को थोड़ा सा रेस्ट करोगे अपने पेपर के लिए। लेकिन गाइस मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई बीच में न्यूज़ आ गई तो वो फिर बाद में देखा जाएगा, तो वो न्यूज़ आ चुकी है। मेरे पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं, वो भी पूरे 15 मार्च के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, पूरे 15 मार्च के लिए पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन गाइस मैं वो कहना चाहूँगा, अभी भी बाला टली नहीं है, थोड़ा सा इशू भी है। तो जिसको भी पढ़ना होगा वो नोटिस वो जाके BTUP वाले वेबसाइट पर पढ़ लेना कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्या डिसीजन लिया है। समझ जाएंगे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी का सीन ये है कि देखो सुबह सुबह उठ चुका हूँ मैं, सारा वारा काम वाम हो चुका है, पापा ऑफिस जा चुके हैं और मैं हमारे लिए खाना बना रही हूँ, ब्रश व्रश सब मैं कर चुका हूँ। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा खाना और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर की सब्जी और इसमें चने वाने भी हैं, सॉरी चने नहीं मटर हैं और इसमें रोटी है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला खाना खाते हैं। और लोगों दोस्तों मैं वो कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि इस टाइम तो मैं हाथ से मोबाइल को पकड़ता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, तो ब्लॉग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे करके हिलता रहता है ना। तो अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि ब्लॉग ना हिले तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। मतलब मेरे भैया हैं जो मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं एक ट्राईपॉड, तो बट मुझे उनसे वहाँ से यहाँ तक मंगाना है। तो कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिसमें आराम से आ जाए, वो भी सस्ते में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा तो कोई बताओ यार जल्दी से कोई एप्लीकेशन, कमेंट में बताना कौन सा एप्लीकेशन है, वो यूज़ करके देखूंगा मैं, ठीक है। तो बताओ हम यहाँ पे डांस करने के लिए आ चुके हैं। बहुत दिन हो गए डांस नहीं कराए, मतलब यार ये व्लॉग से और ये टेक चैनल और पढ़ाई वढ़ाई की वजह से बिल्कुल भी डांस करने का वक्त नहीं मिलता है और कॉलेज की वजह से भी टाइम नहीं मिलता था, तो आज फाइनली हमें टाइम मिला है, ठीक है।
गाइस यहाँ पे देखो कैसे सिक्योरिटी अंकल मजे कर रहे हैं दोनों के दोनों साइकिल पे। वीडियो नहीं बना सकते मुझे लगा वीडियो नहीं बना सकते ना ना वीडियो तो जहाँ भी करा वहाँ भी बनाओ। तो गाइस अब हम पापा के ऑफिस से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर को, ठीक है। तो मतलब पोर्ट वोर्ड तो नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है। मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि रिचार्ज मेरा ख़त्म हो गया था, तो वो पोर्ट का कुछ कोड वोड होता है ना, वो सेंड ही नहीं पाया। तो वो बोल रहा था पहले रिचार्ज कराओ तो तब वो सेंड होगा। तब पापा ने उसमें रिचार्ज कराया तो पापा बोल रहे हैं अब पोर्ट कराने का फ़ायदा क्या जब मैंने रिचार्ज करा दिया। और मतलब एक महीना वेट कर, मतलब 28 दिन वेट कर ले, फिर एंड जब होने वाला होगा ना तब पोर्ट कराऊंगा। तो थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा 1 GB का रिचार्ज होता था, लेकिन इस बार जो है 1.5 GB का रिचार्ज हुआ। पता नहीं कैसे पापा का मन कर गया, साथ पापा के दोस्त सोचते हैं ना बगल में चली, तो वो कर दिया। तो अब जा रहे हम घर, 3 बज चुका है, 5 बजे तक जल्दी से घर पहुँचना है, नहीं तो लाइव स्ट्रीम कैंसिल हो जाएगी। आया तो बुलेट से था, लेकिन जब पैदल लाऊं तो लग रहा है टाइम मिल जाएगा। पापा ने पैसे दिए हैं मुझे किराए के लिए, लेकिन उसे बचा रहा हूँ मैं। सोचा हूँ कुछ खा पी लूँगा बढ़िया, फिर पैसे ही बचा लूँगा, क्योंकि मुझे ट्राईपोड भी सोच रहा हूँ लेना है ना और ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि देखो कितना हिल रहा है ये, आप थोड़ा समझ रहे होगे ना। आ चुके हम घर अपने वापस से, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोर्ट नहीं हो पाया हमारा सिम, अब हमें 1 महीना जो है वेट करना है। तो कोई बात नहीं, 1 महीना और वेट कर लेंगे। और वैसे भी VI वाले मतलब जैसे पहले तो 1 GB का नेट होता था, तो मतलब भाई साहब मैं 2 GB यूज़ कर लिया करता था, पता नहीं ख़त्म ही नहीं होता था, ठीक है। और ये सब तब से स्टार्ट हुआ जब से मैं लाइव आ रहा हूँ, सेम है, जब से लाइव आ रहा हूँ तब से ही स्टार्ट हुआ, तो अच्छा ही है ना। जब जब लाइव आता हूँ तब तक 2-3 GB यूज़ करता हूँ बढ़िया तरीके से, तो मेरे पास नेटवर्क इशू थोड़ा सा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 हफ्ते और वेट कर लेंगे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और चलो बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना।